सो हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आज हमारे बीच है सचिन तुलाराम नागू से। ये हमारे यूनिवर्सल AEJEE कोर्स स्टूडेंट है और आज हम जो है ये स्पेशली एक इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं, जिसका हमारा टारगेट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के टाइम वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, लाइक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वेरियस ऐसे कई स्टेप्स आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, जिसमें कई प्रॉब्लम को फेस करते हैं। डेली बेस्ड स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज या फिर स्टडी मटेरियल को किस तरह से सेलेक्ट करें, तो इसी बेसिस पे हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। और आज वेलकम करते हैं सचिन तुलाराम नागोसे का, और इनके वेलकम के साथ साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे आप महाजैन को AE में सेलेक्ट हुए, ये इंटरव्यू सेशन जो है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, वे स्पेशली जो IBPS पैटर्न के बेस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक महाजैन को है या फिर डिस्कॉम है या महाट्रांस को है, इन वेरियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसी के बेसिस पे आपके इस इंटरव्यू को रखा गया है, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी जो जर्नी है इसके लिए प्रिपरेशन के टाइम, आपके जो है की माइलस्टोन या फिर चैलेंजेस क्या रहे अलोंग द वे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ महाजैन को AE, तो ये आप शेयर करिएगा और फिर हम आगे बढ़े। सर, मैंने मेरी डिग्री ख़त्म की 2018 में। जी उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू किया 19 में। उसमें मैंने लाइव क्लासेज ज्वाइन की, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन किए। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट था, डेली रिवीजन ये, लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। तो टेस्ट सीरीज देता था, उसमें भी स्कोर नहीं आता था। जैसे स्कोर आना चाहिए सिलेक्शन के लिए, वैसे स्कोर नहीं आता था। एक दिन मैं, जैसे ही ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया, मैं औरंगाबाद शिफ्ट हो गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे मैंने पूरे नोट्स रिवाइज किए, जो पहले जिनसे मैं पढ़ा था उनसे मैंने जो जितना भी पढ़ा वो सब रिवीजन किया। टेस्ट सीरीज देता था लेकिन स्कोर नहीं आता था। फिर मैं एक दिन ट्राई किया आपका यूट्यूब पे, आपका जो क्लास है वहाँ पावर सिस्टम का, मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई कर रहा था। मतलब डेली का शेड्यूल था मेरा, मैं जो रिवाइज हो गया उसके क्वेश्चन लगाता था ऑनलाइन। फिर उसमें एक दिन मेरे को आपका क्लास दिखाया, तो मैं जैसे ही वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे को क्वेश्चन छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे आप जो पढ़ाए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ले हाँ रहे थे, क्वेश्चन सीरीज जो लिए है आपने पावर सिस्टम का, वो कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता था। जो उनके पास जो मैं पढ़ा वो डायरेक्ट हाँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ आप जो क्वेश्चन लिए एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपका बताने का एक्सप्लेन करने का तरीका, एक भी क्वेश्चन रटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जैसे मैं वो देखा क्लासेस, उसके बाद मैं सर डायरेक्ट आपको कॉल किया, और वही भी मेरा सिलेक्शन का माइलस्टोन है कि मैं आपके पास क्लासेस ज्वाइन किया, उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स की, आपका यूनिवर्सल बैच ज्वाइन किया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया। पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने लिखा, नोट्स कवर किया 4 महीने में। जैसे मैंने आपका कोर्स लिया, अगस्त 24 अगस्त में आपका क्लास लिया और दिसंबर में एग्जाम हो गया। बस 4 महीने के प्रिपरेशन में मेरा वहाँ ट्रांसको में भी सिलेक्शन हो गया था सर, लेकिन मैंने मराठी का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया, उसकी वजह से ट्रांसको ने मेरे को डिसक्वालीफाई किया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, लेकिन फिर भी ये मेरा सिलेक्शन डिसक्वालीफाई हो गया। फिर उसके उसके बाद ट्रांसको, ये जनको का भी एग्जाम दिया था मैंने, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पे भी हो जाए। फाइनली मेरा जनको असिस्टेंट इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान आपका डेली बेस्ड पे स्ट्रेटेजी क्या रहता था, वीकली आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या टाइम टेबल आप किस तरह से फॉलो कर सकते थे, स्टूडेंट को अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे तो बताइए। सर मैं स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में नया नया कोर्स था, जैसे अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो कैसे नया नया था, उतना अपने आप पे कमांड नहीं थी। तो मैं क्या करता था, उससे पर टॉपिक वाइज ये निकलता था। जैसे अभी हमने रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो पढ़ा वो पढ़ उसका रिवीजन करता था और क्वेश्चन लगाता था उसके। ऐसे जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्निकल सब्जेक्ट की जितने भी टॉपिक है, जैसे मशीन, एग्जाम्पल मशीन
जैसे उसमें मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा, तो ट्रांसफार्मर का रिवीजन लगाता था, फिर उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऐसी एक एक टॉपिक ऐसे सॉल्व करता था, फिर ऐसी रिवीजन प्रैक्टिस ऐसी कर करके मैं एक दिन में पूरा मशीन रिवाइज मारता था। 3 4 5 घंटे में एक दिन में पूरा मशीन रिवीजन करता था, और उसके बाद पूरे मशीन के क्वेश्चन लगाता, और उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज देता था इधर उधर से टेस्ट सीरीज। फिर आपका कोर्स जब से लिया, फिर आप ही की टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था, और उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उसको मैं नोट डाउन करता था, और नोट डाउन करने के बाद जो कंसेप्ट है, जो आपके टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशन दिया रहता था, वो सॉल्यूशन भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको मैं नोट डाउन करता था, और ऐसे ही करते 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 सर सिलेक्शन हो गया। मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा कि रिवीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट की पॉइंट होता है प्रिपरेशन के द्वारा। जैसा सचिन जी बता रहे हैं, एक्चुअली ये इंटरव्यू सेशन रखने का भी हमारा यही मतलब है कि एक तो हम जो है लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड क्लास में आपको सजेस्ट करते हैं, एक स्टूडेंट जो इसके थ्रू गो थ्रू हुआ है और वो जो फील कर रहे हैं और आपको आपके सामने रख रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। एक्चुअली आप भी उसी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी होता है कि हम जो है जनरली क्या होता है, 2 3 सब्जेक्ट कर जाते हैं, 5 सब्जेक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद हम पहले सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, फिर वापस रिवीजन करने बैठते हैं, तो रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेली बेसिस पे हमेशा रिवीजन का 1 से 1.5 घंटा अलग से सेपरेट रखो, उसको रिवाइज करो डेली बेसिस पे, जो भी प्रीवियसली सब्जेक्ट हुए हैं रिवाइज करने के साथ साथ उसका टाइमर बेस्ड एमसीक्यू करो। ये स्ट्रेटेजी आपके प्रिपरेशन फेज में जरूर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी बहुत अच्छे से आपने इसको डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइक स्ट्रेस में आ जाते हैं, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए और मोटिवेट कैसे किया रखा जाए अपने आप को, तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने आपको जरा बताइएगा। सर, जैसे मैं कैसी विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे विलेज में कैसी है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते वो लोग मजदूरी का काम करते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं आपको पता ही होगा, विलेज में कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसा कैसा काम करना पड़ता है। तो सर उनको देख के मेरे मन में ऐसा मोटिवेशन आता था कि जैसे इन लोग काम करना कर रहे हैं वैसा अपन को नहीं करना चाहिए करके। अपन ने अभी अपने घर वाले अपने को पढ़ा रहे था क्या, तो उसका अपन अपने घर वालों को कुछ ये देना चाहिए। उसी वही मोटिवेशन पकड़ के मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई करता था। एक तो उसमें मेरा कोरोना का अक्सर कोरोना का पेंडेमिक भी आ गया मेरे प्रिपरेशन जर्नी में, फिर भी मैं हार नहीं मानी, कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन प्रिपरेशन को वैल्यू दिया अपने, बाकी चीज़ को वैल्यू न देते हुए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस रखा। और वही सर जो विलेज में जो ये कंडीशन रहती है वही मेरा मोटिवेशन है। सही बात है। ये देखो, ये मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में होता है, खुद एक्सपेरिमेंट मत करिए, कभी भी आसपास हाँ में देखिए कि दे जितना हमारे पास स्ट्रगल रहता है, आसपास को देखने को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस आपको ज़रूरत है उसको ऑब्जर्व करने की। जितना आप ऑब्जर्व करने ऑब्जर्व के लिए करोगे उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत सही पॉइंट बोला। आगे जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे कोई प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रिपरेशन के दौरान कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा हो या कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगा हो, उसके लिए आपने कैसे डील किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, एग्जाम्पल सहित अगर आप सर बता सकते हो। सर एग्जांपल मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ आपको। जैसे कंट्रोल सिस्टम मैं आपसे पढ़ा, मेरे को स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आता था। पहले मैं वीडियो पूरा कंट्रोल सिस्टम का कोर्स खत्म कर लिया मैंने, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे कनेक्ट करते, थ्योरी को कैसे कनेक्ट किया जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो समझ में नहीं आता था। फिर मैं एक बार क्लास देखा, उसके बाद दूसरी बार क्लास देखा, फिर भी कभी कभी समझ में नहीं आता था। फिर मैं खुद सोच के सोचता था कि सर ने कैसे कंसेप्ट अप्लाई किया, क्यों किया, और यही कंसेप्ट क्यों अप्लाई किया। उसको मैं डेली पढ़ पढ़ के मैं कंटिन्यू 1 वीक सर उसका रिवीजन मारा। एक हफ्ता सिर्फ कंट्रोल सिस्टम का ही रिवीजन मारा कि मेरे को
दिमाग में रहे कि सर ऐसा कैसा अप्लाई कर रहे हैं, और मेरे को नहीं आ रहा अप्लाई करना वो नॉलेज। वही मैं सर फिर उसको पढ़ता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था, पढ़ता था और आपने कैसे सॉल्व किए उस पर ध्यान नहीं देता था कि सर ने ऐसे क्यों सॉल्व किए, ये क्वेश्चन को ऐसे क्यों सर ने ये लगाए। तो ऐसी ये कर करके सर प्रैक्टिस किया सर थोड़ी क्वेश्चनों की, पहले नहीं समझ में आता था लेकिन ट्राई करते गया, कैसी समझने का कैसी समझने हाँ, ट्राई ये जरूरी करते हो गया। जाता है, बिल्कुल। हाँ सर ट्राई, जैसे अपन ट्राई करेंगे पढ़ने के बाद 2-3 बार अगर आप ट्राई करते हो तो आपको समझ जाता है सर, कितना भी हार्ड सब्जेक्ट क्यों नहीं रहता तो समझ जाता है। यही होता है, जैसे ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। जैसे हमारे सिलेबस में 10-12 सब्जेक्ट है, कई स्टूडेंट ऐसा गलती कर हाँ देते हैं कि EMFT थोड़ा वीक है, या फिर EDC एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मेनली छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ते हैं। ये भी समझ में नहीं आता क्या सोच के छोड़ देते। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो, आपके जो सिलेक्शन दिलाएंगे ना, ये दो तीन चार सब्जेक्ट जो सभी छोड़ के जाते हैं वही सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि मशीन पावर सिस्टम हर एक को अच्छा करना है, सबको अच्छा करना है। हाँ हाँ, तो ये बहुत सर, जरूरी हो पहले जाता है। पहले हाँ, डिफिकल्ट उसको समझ के छोड़ना नहीं है, मैं ना? पहले भी छोड़ दे मैं पहले स्टार्टिंग में लेके छोड़ देता था इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ वगैरह भी, मेरे को भी समझ में नहीं आता था। मैं हाँ उसको अभी इतना ट्राई किया इतना ट्राई किया, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा एक भी क्वेश्चन भी गलत होता है। हाँ प्रैक्टिस करना आज सर। मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ तो एक भी क्वेश्चन, अगर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डली एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे लेकिन 20 के ऊपर ही मार्क्स आते थे। हाँ, तो वो कैसी है, जो लड़के छोड़ देते कि नहीं वो इजी रहता है टॉपिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लेकिन इजी है, पता नहीं लड़ क्यों छोड़ देते। इजी। हाँ हाँ एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको समझ समझ गया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, थोड़ा प्रैक्टिस किए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है हाँ, उसका, एकदम 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें से, और प्रॉब्लम भी आया तो ज्यादा हार्ड नहीं आता, जैसे अभी हाँ जनको में काफी सारे क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकिन इजी क्वेश्चन थे, पूरे इजी क्वेश्चन थे। हाँ ये एक बात और ध्यान रखिएगा, IBPS के बारे में मैं पहले भी बताता हूँ कि ना, IBPS में कोई ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता कि पावर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, मशीन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, कोर सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत तो उनसे 2-4 क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये रेंडमली इनके पास क्वेश्चन बैंक होता है, रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और पुट करते हैं। तो कई बार ऐसा, राजस्थान में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट थे, हम ऐसा ये कर रहे थे कि कम्युनिकेशन सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो इस तरह से अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए कि सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए आपको कभी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, है ना? क्योंकि तभी आप जो है अच्छे से आगे बढ़ पाओगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज केवल मशीन पावर सिस्टम तक अपने आप को लिमिट मत करिए, ठीक है? इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और मेरे को पूछना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट है या टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन में जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपकी एबिलिटी में बूस्ट अप आ गया, ऐसा? सर जैसे अभी मैं जब से सर आपका कोर्स ज्वाइन किया और उसको जब कंप्लीट कर लिया, जो जो टॉपिक मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा सिलेक्शन से पहले आपके कोर्स में से, सिर्फ मशीन पढ़ा, पावर सिस्टम पढ़ा, कंट्रोल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ही टॉपिक पढ़ा सर, और एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम टारगेट किए तो दोनों एग्ज़ाम निकल गए। तो मेरे लाइफ में तो टर्निंग पॉइंट गेटवे इंजीनियरिंग गेटवे, मतलब आपका हाँ इंस्टीट्यूट ही मेरे लाइफ में देखो, टर्निंग पॉइंट है। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा, टर्निंग पॉइंट केवल यही बताइए जो आपको अच्छा लगा। जैसे ये इंटरव्यू सेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गेटवे का नाम ले रहे हैं, वो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन जो भी आपको सही लगा वैसा बताइए, दैट इज नहीं टुवर्ड्स सर, द पॉइंट इसके ऑफ पहले मैं स्टूडेंट्स ओनली। जैसे अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इसके पहले मैंने 21 में एग्जाम दिया था मार्ड स्कोर की, वहां पे मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, और ठीक जिस लड़के का लिस्ट में नाम है अभी ट्रांसको में, उस हाँ लड़के से मेरे को ज्यादा मार्क्स है हाँ अभी, हाँ मतलब वो 8वां रैंक उसका है ट्रांसको में और हाँ मेरा मेरी कैटेगरी में, और मेरा रैंक 3रा है। हाँ
ठीक तो है ये सब गेट से ज्वाइन करने के बाद ही हुआ था सर, ठीक है, चलो चलो आप बोल सिंपल। रहे हैं तो चलो इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं तो हमारे कोई स्टूडेंट टारगेट नहीं है कि हमारे कोचिंग का केवल नाम हो। वी आर डिलीवरिंग दिस इंटरव्यू ओनली फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और जैसे कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए उसको वो किस तरह से डील करे, यही हमारा टारगेट है। ठीक है, नहीं नहीं आगे। सर मैं हाँ कंपेयर कंपेयर करके बता रहा हूँ सर आपको दोनों के ठीक है ठीक है। रिजल्ट। हाँ, एक मुझे एक बात बताइए, आप जो प्रैक्टिस करते थे, सेल्फ असेसमेंट करते थे, किस तरीके से करते थे प्रिपरेशन के टाइम? सर मैं प्रैक्टिस जैसे आपके जो ये है क्वेश्चन क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को ऐसी मतलब मोबाइल ऐसे रखता था स्टैंड पे और उसको सॉल्व करते जाता था रैंडमली सॉल्व करते जाता था। ऐसे टाइमर वाइमर कभी लगाया नहीं, मैं टाइमर लगा के कभी प्रैक्टिस किया नहीं क्योंकि मेरे पास वॉच वगैरह है नहीं टाइमर वाइमर लगाने के लिए, नहीं लिमिटेड मेरे पास सोर्स रहते थे तो मैं उसी सोर्स से चाहता था कि जितना अच्छा कर पाऊँ उतना करूँ करके, इसलिए मैं मोबाइल पे ही पीडीएफ भी सॉल्व करता था और एक लैपटॉप लेता था मोबाइल लेता था और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाता था और उसके बाद जैसी लास्ट में डायरेक्ट आंसर दिया मतलब एक्सप्लेनेशन और आंसर दिया रहता था तो उसी को मैं कंटिन्यू वैसे ही प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज देता था। फिर उसके बाद मैं जहाँ मैक्सिमम लड़के टेस्ट सीरीज देते थे वहाँ एनरोल करके मैं खुद का कॉम्पिटिशन चेक करता था, ठीक जैसे है, अभी हमारे हमारे महाराष्ट्र में माई गवर्नमेंट ट्रैक करके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से टेस्ट सीरीज लगाते हैं ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके खुद को ये करता था कॉम्पीट करता था उनके साथ हाँ कि ठीक, अपना रैंकिंग कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है। हाँ, ये भी एक आपका होना चाहिए कि आप अपने आप को सेल्फ चेक करते रहें, सेल्फ असेस करते रहें, और साथ ही साथ अपने आप में ग्रो अप करते रहें कि जो भी वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, जैसे ऐसा कोई मुझे पॉइंट बताइए जो आपको सेटबैक लगा हो, ऐसा कुछ फेलियर टाइप, और उसके बाद एकदम से आपने बाउंस किया हो, मतलब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जीवन सर में, ऐसा प्रिपरेशन के कोई रिगार्डिंग इंसिडेंट, ऐसा कोई मोमेंट ऐसा जिस कोई सर फेलियर का मोमेंट बोले तो जैसे मैं सबसे पहले 18 में एग्जाम दिया था तो 18 में कैसी मैं ऐसी पढ़ाई नहीं किया कुछ नहीं किया ऐसी एग्जाम दिया था और ठीक है। उसके बाद 19 में एग्जाम हुआ था डिस्कॉम का हाँ, वो एग्जाम भी दिया मैंने लेकिन वो उसमें रिजल्ट नहीं आया तो वही सीए है सेटबैक रिजल्ट आता नहीं था। फिर बाकी आजू बाजू के लड़कों का रिजल्ट आता था अपना नहीं आता था फिर वही फेलियर को सेट करके उसको सक्सेस में अपने को ये करना है करके ठीक है कन्वर्ट करना है करके वही होता है हाँ, सर। ऐसा ही होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो आपकी इनर विल पावर, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जब तक कि आपकी इनर विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपको कोई कितना भी मोटिवेशन कर दे, वो काम नहीं आ सकता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपनी परिस्थितियों से सीखें, आप जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं उसी को एक बेस बना के और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये एक पॉइंट होना चाहिए आपके पास। एक एक बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे टाइम टेबल के बारे में बहुत स्टूडेंट चर्चा करते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? आप अपने टाइमिंग शेड्यूल को किस तरह से सेट करते हो? अगर डेली एक दिन का देखा जाए सुबह से शाम तक, तो कैसे सेट करते हो? ये स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहोगे अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स? सर जैसी मेरा 2 स्लॉट में स्टडी करता था मैं जैसी सुबह मैं सर लेट नाइट जगने जगता हूँ लेट नाइट पढ़ाई करता हूँ तो मैं क्या करता था जैसी सुबह मैं 7-8 बजे उठा तो थोड़ा वर्कआउट वगैरह करके उसके बाद मेरे घर में खाना वगैरह लेट बनता है तो मैं क्या करता था खाना वाना खा के डायरेक्ट लाइब्रेरी आता था 12 बजे 12 बजे से 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में सिर्फ टेक्निकल का ये करता था टेक्निकल सॉल्व करता था उसमें रिवीजन हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया टेक्निकल के टेस्ट सीरीज हो गए
यही करता था। उसके बाद मैं 9 बजे जैसे ही घर गया मेरे विलेज में, तो वहाँ मैं नॉन टेक्निकल सॉल्व करता था, जैसे रीजनिंग हो गया, मराठी हो गया, कॉन्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे सर 2 स्लॉट में मैं रेगुलर पढ़ाई करता था। उसमें अगर जैसे किसी कोई फंक्शन रहा कुछ रहा, और मेन बात सर मैं मोबाइल जैसे मैं लाइब्रेरी में एंट्री किया, मोबाइल एक बार साइलेंट किया, डायरेक्ट बैग में डाला, तो डायरेक्ट 5 बजे मैं मोबाइल को हाथ लगा देता। जैसे अपन फ्रेश होने के लिए निकलते लाइब्रेरी से 5 बजे, तो तभी मैं मोबाइल को हाथ लगाता था, नहीं तो मोबाइल कभी छेड़ता नहीं था मैं। एक बार जैसे लाइब्रेरी में गया तो रिविजन चालू किया, जब तक रिविजन का टारगेट पूरा खत्म होता नहीं तब तक मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाता। ये सही बात है ना, आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टू द परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसको परफेक्ट के नियर इक्वल बनाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। ये आइडियल की, हाँ आइडियल बनने की कोशिश कर सकते हैं, बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग है, स्टूडेंट्स हैं, हम इंजीनियरिंग पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो कभी प्रैक्टिकल थीम पे चलना भी अच्छे से जानते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये एक बात और बहुत ज़रूरी है, जैसे कभी क्या होता है कि किसी दिन हमारा कोई काम आ जाता है बीच में, और ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हमें जो है अपने टाइम को पूरा दूसरी जगह डिवोट करना पड़ता है ना, तो ऐसे टाइम में आपका स्टडी रूटीन टूट जाता है, और उसके बाद वापस जो है उसको बूस्टअप करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे आपको कभी भी ऐसा कुछ काम हो तो कभी भी पढ़ाई को ब्रेक मत होने दीजिए, भले आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, बीच में दिन में जितना भी काम हो गया, चाहे फैमिली वर्क हो या फिर अदर वर्क हो, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा जरूर पढ़ना है डेली, क्योंकि इससे आपका रूटीन नहीं टूटेगा, और रूटीन नहीं टूटेगा तो वापस एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डेली डेली कोई काम नहीं आता, कभी कभी काम आते, तो उसको जो है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट भी आप में होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आइडियल नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा सूटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना, ये भी एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप मुझे बताइए कि किसी भी स्टूडेंट में सेलेक्ट होने के लिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट होने के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? सर सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऐसी चाहिए, जैसे आज मैं देखता हूँ लड़कों को, लड़के क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तभी प्रिपरेशन करते हैं, तो सिलेक्ट होने के लिए नोटिफिकेशन आने के पहले आपका जो पढ़ाई है, जो भी स्टडीज है रिगार्डिंग सिलेबस, वो सारी आपकी नोटिफिकेशन आने के पहले ही होनी चाहिए। नहीं तो क्या आजकल लड़के क्या करते हैं, अभी सिलेबस खत्म हो गया फिर रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तो सर ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आए ना आए, हमारा टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि अगर नोटिफिकेशन आती है तो बाकी का नहीं, हमारा लेकिन सिलेक्शन होना ही चाहिए कोई भी हाल। अगर एक भी जगह निकलती है तो हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, इतना इतनी अपने को मेहनत करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ऐसी पढ़ाई करते हैं तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा, ये मेरा मतलब खुद का ये है एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी फेज़ में अगर आप एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स को या आपके जो फेलो कंपटीटर है अभी जो सेलेक्ट नहीं हुए स्टूडेंट, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कॉम्पिटिटिव तैयारी तो सब्जेक्ट करते हैं, सिलेबस भी खत्म सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन रिवीजन सब्जेक्ट खत्म नहीं करते, तो उससे समझ लो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, हम अच्छे स्कोर कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं है हम क्या सीरियस नहीं होते उसके लिए लगते, और फिर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम डेट आती है, हमको ऐसे लगता है कि हमारा सब हो गया है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमको टाइम लगता है,
टाइम इसलिए लगता है कि हम रिवीजन नहीं करते कंटिन्यू। जैसे सर अभी अपना फ्रेंड है, फ्रेंड अगर हमको डेली डेली मिलने आता है तो हम कैसे उससे फ्रेंडली हो जाते हैं, वो कहीं कितने भी भीड़ में दिखेगा कि नहीं, फिर भी हम देखे बराबर उसको पहचान लेते हैं। वैसे ही सर इसका ये सब्जेक्ट का अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होते रहेगा, वो हमसे इतना फ्रेंडली रहेगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा भी उसने घुमा लिया फिर भी हम घूमेंगे नहीं, हमको पता रहेगा कि ये इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है, तो उसमें क्या हमको टाइम भी कम लगेगा और स्कोर भी ज़्यादा होगा। मतलब जो सोचते हैं अपन, अभी जैसी अपना कोई दूर का फ्रेंड आ गया, बहुत पुराना दोस्त आ गया, तो अपन उसको देखते बराबर पहचान करें, उसको थोड़ा टाइम लगता है पहचानने के लिए। वैसे सर टेक्निकल का क्वेश्चन अपने को आता है, लेकिन और कैसे एग्जाम्पल अपन सर कैसे वो क्वेश्चन दिखता है अपने को आता है क्वेश्चन, लेकिन क्या करते हैं अपन रिविजन नहीं मारते कि नहीं, उसकी वजह से नहीं क्या अपने को समझ में आता नहीं जल्दी कि ये इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है, तो ऐसी मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि रिविजन डेली बेसिस पे करिए, इतना डेली बेसिस अपने जैसे अपन अपने दोस्त को पहचानते वैसे अपने सिलेबस को पहचानना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पे कैसा भी क्वेश्चन आया हम उसको पहचान सके कि ये क्वेश्चन इसी टॉपिक का है करके, और इसका आंसर यही रहना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और है मेरे, और पर्सनल एडवाइस भी रहेगी दूसरे स्टूडेंट्स को, और क्या आप योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉकिंग, इस एक्टिविटी को भी इंक्लूड करते हो अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फिजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? सर बिल्कुल करता हूँ, जैसे अभी मैं का एक्सपीरियंस बताता हूँ, नोटिफिकेशन आने के पहले मैं ऐसी पढ़ाई डेली करता था, लेकिन वर्कआउट वगैरह करता नहीं था। मैं एक बार ऐसी वीडियो देखा तो वो लोग बताते थे कि अगर हम वर्कआउट करते तो हमारा माइंड अच्छा काम करता है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स करता है, ऐसा मैं उसको ट्राई किया अपने लाइफ में। जैसे ट्रांसपोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया मैं सुबह उठना चालू की, सुबह कभी कभी लेट भी उठता था क्योंकि मेरा सोने का रात का 2 बजे का सर टाइम है, मैं डेली 2 बजे सोता था सिलेक्शन के पहले, मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं ट्राई करता था सोने की, मैं 9 बजे भी ट्राई करता था सोने की, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती थी रात में, इसलिए मेरा उठने का समय लेट था, लेकिन मैं कितना भी लेट उठूँ तो मैं घर में ही वर्कआउट करता था क्योंकि धूप निकल जाती थी, सब लोग रोड पे रहते थे, इसलिए मैं घर में ही वर्कआउट करता था। लेकिन मैं एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन जब से मैं वर्कआउट स्टार्ट किया करके तो मेरी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। पहले मैं 5 बजे वैसे 12 बजे आया तो 5 बजे मैं थक जाता था, लेकिन जैसे वर्कआउट करना चालू किया फिर मेरा टाइम बढ़ गया, मैं फिर 5 बजे नहीं 6 साढ़े 6 बजे तक कंटिन्यू, मतलब 1 घंटा रिलायबिलिटी बढ़ गई मेरी, फिर भी मेरे को ऐसी थके जैसी नहीं लगता था, फिर मैं कंटिन्यू 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ाई करता था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रिपरेशन केवल स्टडी से नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। प्रिपरेशन केवल पढ़ने से नहीं, आपको रिविजन भी करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, फाइनली आपको जो है मेंटल लेवल को, फिजिकल लेवल को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, फिजिकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी मैटर करती है, क्योंकि आप बिफोर द एग्ज़ाम या एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप कितना स्टेबल तरीके से उसको डील करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ये सारा इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। केवल आपने पढ़ाई कितना किया, स्टडी कितना किया, एक बार सारे सब्जेक्ट देख लिए, ये इस पे आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा, बहुत सारे फैक्टर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फाइनली सभी स्टूडेंट को यही एडवाइस रहेगा कि अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा जरूर टाइम दे, चाहे योगा को दीजिए, मेडिटेशन को दीजिए, या फिर वॉकिंग, रनिंग, खाने के बाद कैसा भी हो, ज़रूर आप इसको फॉलो करिए, सुबह शाम आधा आधा घंटा ज़रूर दीजिए। और जब लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हो तो ज़्यादा लगातार लंबी सीटिंग ना करें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कम होता जाता है। लाइब्रेरी से बाहर निकले, 5 मिनट की फ्रेश एयर ले 1 घंटे बाद और वापस जाए लाइब्रेरी में, है ना। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे से फैक्टर होते हैं
जो आपके लिए स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, सक्सेस के लिए, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। आपने कौन से स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को मतलब डील किया या यूज़ किया फॉर द महाजैन को, महाडिस्को, महाट्रांसको? सर आपकी नोट्स मैंने है, जो पहले पुराने क्लास थे उनको हाँ तो मैं पूरा पढ़ लिया था, हाँ लेकिन रिजल्ट आया नहीं तो मैं उस पर अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। हाँ तो मैं उसको छोड़ के जो आपके शॉर्ट नोट्स है तो हाँ उसी को लिखा और फिर वही पढ़ता था। अभी हाँ भी मेरे लाइब्रेरी के लड़के जो आपके जो मेरे साथ जो क्लासेस किए उन्होंने हाँ सर क्या किए, मतलब कोर्स खत्म भी किए, हाँ मतलब उनका ट्रस्ट वैसा नहीं था जैसा मेरा ट्रस्ट था आपके ऊपर, हाँ वैसा उनका ट्रस्ट नहीं था। हाँ वो डाउट में थे लेकिन मेरा डाउट क्लियर था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका था कि पहले जो सब लोग ने क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है उसका डिफरेंस मेरे को समझ गया। इसलिए मैं ब्लाइंडली आपके नोट्स फॉलो करता था, आपके ही क्वेश्चन लगाता था, किताबें उताबें सब मैंने छोड़ दिया किताब सॉल्व करना। ऐसा देखो, ये तो इंटरव्यू है स्टूडेंट के लिए, लेकिन हम पूरे मन से बोलते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अदर मटेरियल को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है स्पेशली पूरे मन से, कॉन्फिडेंस से आपको ये गारंटी देते ही हैं कि आप जो है क्लासेस हैं उसको ढंग से करिए, उसको रिवाइज करिए, और जो एमसीक्यू क्लास कराया है वो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्लास भी रहता है, तो एमसीक्यू क्लास को भी अच्छे से करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। चार चीज़ें करिए, आपका सिलेक्शन श्योर रहता है, लेकिन 100% मन से करिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से भी मैसेज रहेगा, ठीक है? और बाकी और कुछ फाइनली कहना चाहते हो तो बताइए, ज़रा जो मन में हो बताइए। सर मेरे मन में आपके आपके लिए गुरु लिए है कुछ, मैं इतने सारे मेंटर देखा, इसके पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लास लिया, मैं उनको कॉल करता था वो रिस्पॉन्स नहीं देते थे कभी भी, शायद उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन लेट हुआ ऐसी मेरे को लगता है। लेकिन जब से मैंने आपको ज्वाइन किया, मैं आपको कभी भी डाउट के लिए कॉल करूँ मैसेज करूँ आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हो, मतलब स्टूडेंट की जिम्मेदारी समझ के आप उनको वो टाइम देते हो, उनके डाउट क्लियर करते हो, ऐसा मेंटर सर मैंने पहली बार देखा नहीं, देखो इससे एक पहले। बहुत बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हम किसी स्टूडेंट की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं ना, तो हम हमारे काम से चोरी कर रहे हैं। सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप किसी, टीचिंग इज माय पैशन, मेरा पैशन है ये, और अगर ये आप अपने पैशन में नहीं खरे उतरते हैं, तो फिर उस जॉब को करने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो कोर्स डिज़ाइन करके छोड़ दिया, और स्टूडेंट बेचारे बड़े एफर्ट से पैसे लगा के अपने माता पिता पेरेंट्स की आशाओं पे खरे उतरने के लिए पैसा लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी एक बीटेक करने के बाद 1 साल 2 साल प्रिपरेशन के लिए आपके साथ देते हैं, और अगर हम उनको मदद नहीं करें, हेल्प नहीं करें, डाउट सॉल्यूशन नहीं करें, तो ये तो उनकी ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ जैसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे हमेशा मन में रहता है कि किसी, कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ अगर जुड़ा है, उसको टू द पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे लेके जाना है। एक बात आपने भी नोट की होगी, जैसे हमारा स्टूडेंट का कोर्स एक्सपायर भी हो जाता है, तो हम उसको जो है बहुत नॉमिनल प्राइस में उसको रिन्यू भी करते हैं, है ना? ऐसा कभी मना नहीं हाँ करते हैं, कभी मना नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट का एक फेथ है। ऐसा जरूर थोड़ी, हमारा टारगेट ये नहीं है कि पैसे कमाए जाए, बिजनेस किया जाए। दैट्स ओके, जो हमारे बिल्कुल जीवन जीवन जीने के लिए हमें थोड़ा बहुत चाहिए, दैट इज ओके, वो एक पार्ट होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बहुत वे से लूटते जा रहे हो, ये गलत चीज़ है। ये हाँ कभी सर हमारे मन स्टूडेंट को सर मानने को नहीं बोलता है। सारे स्टूडेंट की सर सिमिलर कंडीशन नहीं होती कि कोई हाँ कैसे
कोर्स लेता है, कोई कैसे ही कोर्स लेता है, लेकिन आपका कोर्स लेने के बाद भी सर उनके पास टाइम नहीं है आपका डाउट सॉल्व करने के लिए, मतलब सिर्फ बिजनेस कर रहे सर। लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा सर देखेंगे, मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता था आपसे, मैसेज हाँ हाँ बिल्कुल चैट में। से हाँ कॉल करता था हाँ लेकिन आपने हमेशा, मतलब अभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरे को रिटर्न कॉल नहीं किए या चैट में मेरे को रिप्लाई नहीं दिए, ऐसा सर एक भी बार नहीं। जैसे कुछ कुछ टेस्ट सीरीज में एक ही क्वेश्चन उसके दो दो आंसर रहते थे, मैं उसका आपसे ये वेरीफाई करता था कि इसका कंफर्म मतलब करेक्ट। परफेक्ट आंसर क्या क्या हाँ होना चाहिए, ऐसा मैं करेक्ट। आपसे काफी क्वेश्चन पूछा। आप सर एकदम, मतलब आपके जैसे सर मैंने देखा नहीं कभी, ऐसा अरे रिप्लाई हमेशा अब स्टूडेंट के साथ। ठीक है, चलो ये तारीफ वाली बात अलग है, लेकिन जो हमारे पास मन में है वो हमने बता दिया कि ऐसा होना नहीं नहीं चाहिए। सर, तारीफ वाली बात नहीं बोल रहा हूँ सर, वो क्लासेस वाले की ड्यूटी है ये कि अगर किसी लड़के को डाउट आता है तो उसका डाउट सॉल्व करने की जिम्मेदारी है सर उनकी। जिम्मेदारी बिल्कुल। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे स्टूडेंट ऑफलाइन भी प्रिपेयर करते हैं तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये भले ही ऑनलाइन है लेकिन इसमें पूरी तरह से सपोर्ट रहता है हमारा। तो ऑफलाइन ऐसा जैसी सुविधा हाँ, आप देते और हैं सर? फीस भी काफ़ी नॉमिनल रहती है। आई डोंट नो महाराष्ट्र में कितना रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र में काफी है। अच्छा यहाँ पे ठीक है। जैसा है क्रैश कोर्स है तो आपको विद कूपन कोड 2000 में पड़ जाता है, डिटेल कोर्स है तो आपको विद कूपन 3000 में पड़ जाता है, यूनिवर्सल कोर्स है दैट इज विद कूपन 4500 में पड़ जाता सर, इधर कोर्स लेने के बाद उसमें वीडियो देखने का भी टाइम लिमिट रहता है। है, आप अच्छा ऐसा ये दो बार क्या, देख सकते हैं, ऐसा भी है सर। ऐसा भी है क्या? चलो ठीक है, चलो हमें किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें हमारी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये इंटरव्यू सेशन आपके साथ काफ़ी अच्छा रहा। ये इस इंटरव्यू का केवल और केवल टारगेट स्टूडेंट को गाइड करना है और कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे फेस करना है, ये यही इस इंटरव्यू का हमारे पास मेन मोटिव था। ठीक है हाँ, तो जैसे मैं फाइनल ईयर का एग्जाम, 16 तारीख को मेरा एग्जाम था और हाँ मैं 17 तारीख से जो हॉस्पिटल गया डिग्री की, जैसे फाइनल एग्जाम देने के बाद, तो मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में था। लेकिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मेरे पिताजी को 1.5 महीने से वो खाना नहीं खिला पाए, कुछ भी खाते थे उल्टी करते थे। धीरे धीरे मैं उनको घर वापस लेके आया झगड़ा करके उनके साथ, फिर आयुर्वेदिक औषध दिया है मुझे, आयुर्वेद वाली, तो उससे पिताजी को भी अच्छा ये हो गया। उसके बाद हैदराबाद लेके गए, वहाँ पे फिर मतलब वो आयुर्वेदिक औषध से अच्छा फायदा हो गया। फिर हम उसको हैदराबाद वाले हॉस्पिटल लेके गए, यशोदा हॉस्पिटल करके, वहाँ से भी फिर अच्छा रिजल्ट आया। अभी मेरे पिताजी एकदम अच्छे है, जो इंसान चल फिर भी, मतलब जिनसे चलना मुश्किल था वो अभी गाड़ी हाँ से घूमते, उनको अच्छा, फैमिली सपोर्ट एब्डोमेन भी बहुत का। जरूरी है ना, बिना फैमिली सपोर्ट के क्या हाँ होगा। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर क्लासेस लगाया था नागपुर में, तो कुछ दिन बाद फिर से, मतलब मेरे घर में मेरे भाई लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं भी, मेरे पिताजी को हैदराबाद लेके जाना था और पैसे का कुछ बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं क्लासेस के पैसे भरने के बाद भी क्लासेस छोड़ के रिटर्न आया। फिर 1 साल 2019 में मैं 5-6 महीने प्रिपरेशन छोड़ दिया था और फिर पिताजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि उनकी फिर से कंडीशन खराब हो गई थी। फैमिली फर्स्ट होना ही चाहिए, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे गांव के भी बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे मेरा एक फ्रेंड है, उसके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है और 30 एकड़ खेती थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किए, खेती उत्ती सब नाम पे कर ली और अभी उसके पिताजी ये हमारे उमरेड में तालुका में किराए से रहते और वो दो लड़के घर में रहते। बहुत गलत। ये वैसा मेरे पिताजी के साथ नहीं होना चाहिए करके मैं छोड़ दिया। मैं बोला जब वो नहीं होगा सिलेक्शन तो चलेगा, लेकिन पहले पिताजी का अपना पूरा करना चाहिए करके। हाँ क्या
अभी उनको कुछ अभी उनकी टैबलेट चलती है महीने के 4-4 हज़ार रुपये की टैबलेट होती है उनकी, लेकिन अभी गाड़ी से घूमते हैं सब अच्छा हो गया है। हाँ ठीक है, ख्याल रखिए, जिम्मेदारी बनती है आपकी, बिल्कुल। हाँ, अभी मैं हाँ खुद उनकी दवाई लाना ले जाना सब उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि वो घर वाले सर उन्होंने महीना भर मतलब दवाई खत्म हो गई और दवाई लाई थी तो फिर से वो उनकी तबीयत बिगड़ बिगड़ गई थी, उसकी दवाई जरूरी है। वजह से मैं हाँ दवाई भी कंटिन्यू रखता हूँ। स्ट्रगल है जीवन में, स्ट्रगल है, उन सभी स्ट्रगल से पार पाना है हमें, यही टारगेट होना हाँ, चाहिए। स्ट्रगल ही जीवन है सर, हाँ, संघर्ष ही जीवन है। संघर्षी जीवन है। बहुत हाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, जरूरी नहीं कि आप आपके स्टडी में ही कठिनाई आ रही हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, वो जीवन की नहीं, लाइफ के दूसरे पैरामीटर भी रहते हैं, फैमिली रहता है, भाई बंधु सर रहते जिसने हैं। समझ लिया स्ट्रगल ही जीवन है करके वो खुशी खुशी अपना काम करता है, कितना भी हाँ स्ट्रगल आए लाइफ में कुछ भी है। हाँ चलो, जीवन में अच्छा काम करिए, लोगों की हेल्प करिए, मदद करिए, खुद भी आगे बढ़िए और परिवार को आगे बढ़ाइए, दोस्तों को आगे बढ़ाइए, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ रहेगी। और उज्जवल जीवन की शुभकामनाओं के साथ इस इंटरव्यू को एंड करते ठीक है सर, ठीक है सर, हैं। ओके। ओके।